उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे एट स्किल फैंटेसी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बीते फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश में दो बड़ी परीक्षाएं हुई और दोनों ही बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर करवाया गया, वो पेपर लीक हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास का सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कांस्टेबल की कराई गई 60,000 से ज्यादा पदों के लिए, उसका पेपर भी लीक हो गया। और इन दोनों ही परीक्षाओं के पेपर लीक मामले की जांच UPSTF कर रही है। लेकिन आज हम बात RO ARO यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर लीक की करेंगे। UPSTF की दो अलग अलग टीमें इन दोनों अलग अलग परीक्षाओं की जांच कर रही थी। RO ARO पेपर लीक मामले की जांच कर रही टीम ने कल यानी रविवार को प्रयागराज कौशाम्बी के मंजनपुर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया उनके नाम थे डॉक्टर शरद सिंह पटेल, अभिषेक शुक्ला, कमलेश कुमार पाल उर्फ के पाल और अर्पित विनीत यशवंत। मैं इन चारों के नाम इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये चारों RO ARO भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के साथ साथ इनका रिश्ता सिपाही भर्ती परीक्षा से भी बहुत कनेक्शन साफ हो गया है। UPSTF की टीमें जो RO ARO की जांच कर रही थी, उन्होंने तमाम लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाम था प्रयागराज में रह करके पेपर लीक के पूरे सिंडिकेट को चलाने वाले राजीव नयन मिश्रा का। उससे पहले RO ARO में एक बर्खास्त सिपाही अरुण सिंह को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये कड़ियां आपस में अलग अलग थी, लेकिन इन 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद से ये कड़ियां आपस में जुड़ती नजर आ रही हैं। वो कैसे, वो भी हम बताते हैं। RO ARO के पेपर लीक को 2 तरीके से किया गया। एक पेपर लीक परीक्षा से पहले ही करवा लिया गया, यानी कि ये पेपर लीक प्रिंटिंग प्रेस से हुआ या क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो लॉजिस्टिक्स वाली कंपनी है, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती में हुआ, वहां से पेपर लीक हुआ, यह अभी STF तलाश रही है। लेकिन जो दूसरा तरीका था, जिसके तरीके को UPSTF ने पूरी तरीके से सामने कर लिया है, वो था परीक्षा केंद्र से ही पेपर लीक हुआ था और यह परीक्षा से करीब 2.5-3 घंटे पहले लीक हुआ था। इसी कड़ी में UPSTF ने इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें के पाल, डॉक्टर शरद सिंह पटेल का नाम बहुत अहम था। दरअसल इन लोगों ने क्या किया कि शरद सिंह पटेल ने अर्पित विनीत यशवंत का प्रयागराज में एक एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था RO ARO में, जो इनका स्कूल है बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज, इसके एग्जाम कंट्रोलर जो था वो था अर्पित विनीत यशवंत। एग्जाम वाले दिन जब सुबह करीब 6:30 बजे RO ARO का पेपर पूरी सिक्योरिटी के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, तो उसी समय पर एग्जाम कंट्रोलर के साथ के पाल को भी अर्पित विनीत ने अपने एग्जामिनेशन रूम में अंदर कर लिया। एग्जामिनेशन सेंटर के 4 बंडल दिए गए एग्जामिनेशन सेंटर पर, 2 बंडल स्कूल का जो गार्ड था वो लेकर के चला गया, जो सिक्योरिटी रूम था वहां पर ले स्ट्रॉन्ग रूम में रखने के लिए, और 1 बंडल अर्पित विनीत ने उठाया और 1 बंडल के पाल ने उठाया। यानी 3 लोगों के पास 4 बंडल लेकर के ये लोग कॉलेज के स्ट्रॉन्ग रूम में गए। नियम था कि जब एग्जामिनेशन सेंटर पर जब क्वेश्चन पेपर पहुंचेगा तो उसे स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाएगा, और जब परीक्षा का वक्त आ जाएगा तो उस समय पर जब अधिकारी पहुंच जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर का वो बंडल खोला जाएगा। सुबह करीब 6:30 बजे क्वेश्चन पेपर पहुंच गया था। लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त हो गया जब ये लोग बंडल लेकर के जा रहे थे, तो के पाल जो बंडल लिए था उस बंडल को लेकर के जो स्ट्रॉन्ग रूम में जाना था वहां जाने के बजाय उस स्ट्रॉन्ग रूम के बगल में बने मेडिकल रूम में, स्टोर रूम में चला गया, एक दूसरे रूम में चला गया के पाल, और वहां से पहले से कटर मौजूद था, उसने बंडल फाड़ा, बंडल से क्वेश्चन पेपर निकाले, क्वेश्चन पेपर की फोटो खींची और फोटो खींच करके उसने व्हाट्सएप के जरिए यह क्वेश्चन पेपर लखनऊ में सौरभ शुक्ला को भेज दिया,
और सौरभ शुक्ला के पास से क्वेश्चन पेपर दूसरे लोगों को मिल गया। लेकिन जो पूछताछ में शरद पटेल ने बताया कि क्वेश्चन पेपर जो उसके हाथ में लगा वो क्वेश्चन पेपर उसके पास पहले से आ चुका था और वो क्वेश्चन पेपर भेजा था राजीव नयन मिश्रा ने। यही बात जब उसने राजीव नयन मिश्रा को बताई कि सर ये वही क्वेश्चन पेपर है जो आपने कल मुझे भेजा था, यानी राजीव नयन मिश्रा ने शरद पटेल को एक दिन पहले ही आरओ एआरओ का पेपर पहुंचा दिया था शरद पटेल के पास। इन लोगों ने वापस राजीव नयन मिश्रा को अपने सिंडिकेट में इसलिए शामिल किया था क्योंकि वो अभ्यर्थियों को इकट्ठा कर रहा था, अभ्यर्थियों से पैसा लेकर के ये पेपर पढ़वाया जाना था। यानी कि एक कड़ी जो आरओ एआरओ के क्वेश्चन पेपर में पेपर लीक करा रही थी प्रिंटिंग प्रेस और लॉजिस्टिक्स वाली कंपनी से, वो राजीव नयन मिश्रा के पास थी और राजीव नयन मिश्रा इस क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन सेंटर से लीक कराने वाले सिंडिकेट की बीच की कड़ी था। यानी कि आरओ एआरओ पेपर में जो दो सिंडिकेट से काम हुआ उसमें एक कड़ी को यूपीएसटीएफ ने बिल्कुल साफ कर लिया है कि ये क्वेश्चन पेपर कैसे एग्जामिनेशन सेंटर से प्रयागराज के बिशप स्कूल से निकला था वो साफ हो गया है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से ये कैसे निकला इसके लिए राजीव नयन मिश्रा की कड़ी को तलाशना बाकी है। इसीलिए यूपीएसटीएफ अब जो एफआईआर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव की तरफ से प्रयागराज की सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाई गई थी अब वो एफआईआर यूपीएसटीएफ ट्रांसफर होगी, उसकी कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। यानी वो जांच कि एफआईआर है वो यहां एसटीएफ ट्रांसफर होगी, एसटीएफ इस एफआईआर के आधार पर आरओ एआरओ के सभी आरोपियों को एक साथ रिमांड पर लेगा और तलाशेगा वो कनेक्शन जिससे प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग प्रेस से निकल करके लॉजिस्टिक्स कंपनी के जरिए ये पेपर एक दिन पहले ही लीक हुआ था। एक बात और बहुत अहम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में भी राजीव नयन मिश्रा बेहद अहम कड़ी था जिसने अहमदाबाद की उस लॉजिस्टिक्स कंपनी से पेपर निकाला था जिसको ये क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग के बाद एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब एसटीएफ को शक है कि कहीं आरओ एआरओ का पेपर भी पुलिस की तरह ही प्रिंटिंग प्रेस की लॉजिस्टिक्स कंपनी के जरिए ही तो नहीं निकल गया था। इसीलिए यूपीएसटीएफ अब लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एफआईआर प्रयागराज के सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई थी उसको एसटीएफ ट्रांसफर किया जाएगा और तब एसटीएफ कानूनी तौर पर इस मामले में सभी लोगों से रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। यूपी तक में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।